अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राफिया हसीब अली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट पे। ठीक है, लास्ट हमने बात की प्लास्टिड पे, अब लास्ट है, ये लास्ट ऑर्गेनल है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए मौजूद होता है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए मौजूद होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है। विद इन द डबल मेम्ब्रेन इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, इसके पास जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये वो पोर्शन है, ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है, इसके यहाँ पर जो है ना जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। अब यहाँ पर डिस्क मौजूद हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन किस वक्त होता है ये समझने वाली बात है। ठीक है, स्ट्रोमा के पास एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करवा रहे होते हैं, किस में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवा रहे होते हैं। सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा आर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेना सिंगुलर ग्रेनम। ये जो डिस्क है ना, ठीक है, ये एक डिस्क है जिसको हम क्या कहते हैं, थैलेकोइड डिस्क। जब बहुत सारे थैलेकोइड्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्रैनम बनाते हैं। क्या बना रहे होते हैं, ग्रैनम बना रहे होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम भी होता है, इस ग्रैनम के अंदर क्या मौजूद होते हैं, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ग्रीन पिगमेंट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द थैलेकोइड। यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवा रहे होते हैं। जो लाइट होती है, लाइट इस पर पड़ती है तो खाने, यहाँ पे जो है फूड प्रोडक्शन होती है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर फोटोसिंथेसिस। होता क्या है, प्लांट में दो तरह से फोटोसिंथेसिस होते हैं, एक लाइट में, एक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक डार्क में। अब लाइट में जो है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, प्लांट को जो एनर्जी मिल रही होती है वो किस पार्ट में होती है, ये थैलेकोइड में। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, थैलेकोइड में। इसमें क्या होता है, इस लाइट से एटीपी फॉर्म होता है और साथ साथ एक और वो होता है एनएडीपीएच। ठीक है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये दो तरह की जो है एनर्जी होती हैं जिससे प्लांट जो है अपना फूड मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। अच्छा, डार्क में जो है, जो डार्क में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आई हो। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों से शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अच्छा, इसके जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल और सेल से रिलेटेड तमाम वीडियोस जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसके लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।